कैसी अपनी टर्बो फैमिली? मैं बिल्कुल बैकपैक लेके और जैकेट लेके फुल तैयार, और मॉर्निंग का टाइम है, करीब टाइम भी बता देता हूँ भाई, 8:00 अराउंड 20 मिनट, और अपन चल रहे हैं यहाँ से आगरा। तो हेलो गाइस, आगरा वाले, आ गया मैं आगरा। तो इस बार डिलीवरी लेंगे आप ही लोगों के साथ, मतलब जितने भी अपने आगरा वाले टर्बो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके अपन लेने वाले हैं कार की डिलीवरी। हाँ जी, कैसे हालचाल? गुड मॉर्निंग। तो धूप आ रही है बहुत ज्यादा तेज, इस साइड आ जाओ, नहीं तो काले काले दिखोगे आप, फिर आप कहोगे कि देखो मैं वीडियो में ऐसी दिख रही थी वैसी दिख रही थी। एंगल गंदे लेते भी, देखो मेरी शक्ल तो ऐसी है तो मैं ऐसे ही दिखता हूँ, आपकी शक्ल अच्छी है तो आप अच्छे ही दिखते हो हमेशा। तो एनीवेज, नीचे मेरी कैब आ चुकी है, फटाफट चलते हैं, कैब को बोर्ड करते हैं एंड निकलते हैं फटाफट से ट्रिप पे। तो अभी मेरे ख्याल से 8:15 बज रहे हैं, तो हमें, मुझे ऐसा उम्मीद है कि हम 12:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो लेट्स कैच अप गाइस इन आगरा। A few moments later. अपन आ गए हैं अभी यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो एग्जैक्टली ये वही हाईवे है जहाँ पे मैंने एक्चुअली राइडिंग बंद कर दी। अब मतलब बाइक राइड पर मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आता हूँ, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये हाईवे कुछ ज़्यादा ही फ्लैट है। फ्लैट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है, और ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पे बाइक की क्षमता से ज़्यादा आपकी क्षमता हो जाती है, मतलब बाइक की फुल कैपेसिटी आप यूज़ कर सकते हो इस हाईवे पे, बिकॉज वेरी स्ट्रेट हाईवे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ना मतलब रिस्क लेवल भी अपन ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये वही हाईवे है जहाँ पे मैंने 300 की स्पीड पे पता नहीं कितनी बार बाइक चलाई होगी, और 328 भी अपन ने चलाई हुई है हायाबूसा, दैट वाज अ ट्यून्ड हायाबूसा। तो देखो शक्ल देखो इसकी। तो ये तो खैर वो लोग हैं जो 70-80 पे भी डर जाते हैं बाइक। हेलो, तो वो चलाते पता कैसे बताते हैं 328 में इनको बैठा के, 328 में तो भैया मैं किसी को नहीं बिठा सकता, मैं इनके साथ कभी भी नहीं बैठूंगी। ये हैं अमित जी जो आज हमारे साथ में ड्राइव कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारी कार इन्होंने मेंटेन की हुई है। दिस इज अ आर्टिका, इंटीरियर देखो, मुझे देख के ही मजा आ गया, मतलब यार आपने गाड़ी बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है, मतलब मुझे मजा आ गया। तो इस हाईवे पे आपने कितनी स्पीड पे चलाई हुई है मैक्सिमम? मैक्सिमम 100। अच्छा, क्या बात है यार, बड़ा कंट्रोल है आपका इस हाईवे पे। मैं तो लास्ट टाइम गाड़ी भी लेके आया था तो 220 पे थी मेरी। यार मजाक हो रहा है क्या? भाई ये वो लोग रिस्क लेते हैं जिनकी फैमिली पीछे नहीं देखते। नहीं, आपने कैसे ले ली? अच्छा, नहीं मैं पहले ले लेता था, अब मैंने बंद कर दिया। अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है जब से मेरी लाइफ में ये आई है। तो इनको हम बोलते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब तो समझते होंगे आप। हाँ, तो ये ब्लेसिंग है, ये आई एम ब्लेस्ड विद ब्लेसिंग। तो एनीवेज, यहाँ से भी चल रहे हैं अपन आगरा, और आगरा में अपना लंच होगा। अभी अपन रुकेंगे हाईवे मसाला पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज अमित भैया को चाय भी नहीं मिली है, आज तो चाय भी नहीं मिली भैया। हाँ जी, चाय नहीं। तो अभी चाय आप पियेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेकफास्ट भी करने का प्लान है कोई? देख लेंगे कुछ सैंडविच वगैरह मिलेंगे। चलो सैंडविच वगैरह, तो भैया खाएंगे कुछ सैंडविच वगैरह, अपन करेंगे फुल ब्रेकफास्ट, क्योंकि अपने तो ब्रेकफास्ट के बिना काम चलता नहीं है। मैं तो एक्चुअली इतनी देर भूखा रहता ही नहीं हूँ, मतलब उठते ही मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए होता है सबसे पहले। और ये तो देख के मजा ही आ गया। मतलब ये एक्चुअली गियर का जो नॉब है ये देख के ही मजा आ गया। बाकी पर आपने गाड़ी बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है। तो अपन चल रहे हैं अभी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। गाड़ी कौन सी पसंद की है देखो अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। ऑनेस्टली बताऊँ तो 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो चारों ऑप्शन वहीं चल के एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गो एंड ड्राइव टू आगरा। टाइम अभी हो रहा है वैसे करीब 10 बज चुके हैं, एंड उम्मीद है कि 12:30-1 बजे पहुँच जाएंगे। ये आ गया हाईवे मसाला, और यहाँ पे सब बाइक्स आपने काफ़ी बार देखी होंगी मेरे व्लॉग्स में। यहाँ पे पता है संडे को पूरा भरा हुआ रहता है। यू कैन सी एटलीस्ट 300-500 बाइक्स। सीरियसली 300-500 बाइक्स। सारे बाइकर्स यहीं आते हैं? सारे बाइकर्स मैक्सिमम यहीं आते हैं, पर अब संडे को यहाँ पे चलान हो चुका है तो नहीं आ सकते। संडे को भी यहाँ पे आने ही देते, कोई कॉफी दिख जाए और कॉफी ना पिए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, अब तो मेरे साथ भी ऐसे है। एग्जैक्टली ये तो नहीं हो सकता कि मतलब हम कॉफी ना पिए, तो चलते हैं कॉफी पी लेते हैं एक। वैसे हमने लिया एक डोसा, रवा मसाला डोसा और इडली, ताकि थोड़ा सा लाइट रहे ट्रेवल के टाइम पे। एक लाटे ऑर्डर हो चुकी है, एंड खानी है पीनी है? मैं पीऊंगी, आप वो जो उसका बाहर का वो है ना,
इसीलिए कहते हैं कि समझ में नहीं आया ना, तो फिर नहीं समझ में आता यार. तो, नहीं मेरा ना था, तो मैंने बोला था मैंने बोला था कि लाते खानी है या पीनी है. अरे कैसा मारेगा लाते इसको रे बाबा. तो मैंने ये बोला है कि मैं पीऊंगी जो बाहर का वो आप खाओगे. अभी भी नहीं समझ मुझे समझ आ गया, अब ये वाली लाते बोल रहे हो. बट मैंने उसको और थोड़ा मॉडिफाई पॉजिटिव वे में लेके बोला है. ये डोसा आ गया एंड ये इडली आ गई है और कॉफी भी आ गई है और आप भी आ गए और मैं भी आ गई हूं. वाओ. अरे यार सबवे भी तो था. अरे बरिस्ता भी था वहां पे पता है. देखो हो रहा मेरे को तो अभी दिखा. हां हमने फालतू में ही ले ली. हां हैं स्टारबक्स तो पता नहीं क्यों, मतलब इनको और मुझे स्टारबक्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बरिस्ता और सीसीडी ज्यादा पसंद है मुझे. बरिस्ता सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरी. स्टारबक्स की कॉफी मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा अच्छी क्यों नहीं लगती, बट हां बरिस्ता की कॉफी मुझे परफेक्ट लगती है, बिल्कुल फेवरेट. जबकि स्टारबक्स एक्चुअली अगर ब्रांड की बात करें तो ज्यादा बड़ा ब्रांड है. हां बट है ना ब्रांड क्या है, इफ यू डोंट लाइक द टेस्ट एंड ऑल्सो एग्जैक्टली डज नॉट मैटर. चलो एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फटाफट निकलते हैं और आगरा पहुंचते हैं. तो ये फाइनली मुश्किल से 2 मिनट का डिस्टेंस रह गया कार मॉल का, मतलब जो अपने शिवम भाई का शोरूम है उनके शोरूम का. तो लेट्स कैच अप. तो गाइस फाइनली अपन पहुंच गए हैं द कार मॉल और ये रहा शोरूम, ये रहा अपना लगेज और ये रहा बाकी का लगेज, मतलब आपके हाथ में. लेट्स गो इनसाइड एंड कैच भाई. भाई को पकड़ते हैं आज, जरा जकड़ लेते हैं. बहुत सारे काम हैं इनसे, बहुत सारे काम निपटाने भी हैं आज. फाइनली अपन अंदर आ गए हैं और भाई अपने साथ में. तो गाड़ी लेने में आ गया हूँ मतलब आगरा, मतलब कोई स्पेशल रीज़न तो है. अब स्पेशल रीज़न एक्चुअली सबसे बड़े रीज़न तो यही है और इनका प्यार है. बाकी जो दूसरा रीज़न है वो अभी थोड़ी देर बाद में, पहले अपन पियेंगे टर्बो कॉफी. दूसरा रीज़न पीछे खड़ा है ना, दूसरा रीज़न तो ये रह रहा है. अच्छा चलो ये तो सबसे बड़ा रीज़न है. तो एनीवेज पहले सामान को पार्क कर लेते हैं और उसके बाद फर्स्ट क्लास एक कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद गाड़ियाँ चेक करेंगे. गाड़ियाँ काफ़ी सारी हैं और उसके बाद कार पे चलेंगे सीधा टेस्ट ड्राइव पे. ओके तो यहाँ पे आ गई भाई टाटा सफारी और ये मेरे हाथ में चाबी. चाबी तो काफ़ी प्रीमियम लग रही है. एक काम करते हैं अब चल के देखते हैं गाड़ी अंदर से. तो चलो लेट्स गो. तो फाइनली हम कार के अंदर आ गए हैं और कार के अंदर फीलिंग एक्चुअली बैठ के अच्छी आ रही है. इट्स अ गुड गुड फीलिंग है ना, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के अच्छा लग रहा है. कैप्टन सीट्स हैं बहुत अच्छी. हाँ पीछे कैप्टन सीट्स हैं और प्रॉपर कैप्टन सीट्स. हाँ जी सर, इसमें कितने वेरिएंट आते हैं सर? 6 वेरिएंट आते हैं. 6 वेरिएंट और ये कौन सा है, टॉप मॉडल है? जी टॉप है, SJD+. SJD+. तो ये फाइनली कवर कर रहा हूँ मैं गाड़ी को एंड अंदर से अच्छी लग रही है. फिट एंड फिनिश भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है. स्टीयरिंग फील भी अच्छी है इसकी. स्टीयरिंग हालांकि थोड़ा सा हैवी है बट इट्स अ गुड गुड फील, नॉट बैड. आपको कैसा लग रहा है अंदर बैठ के? नाइस ना. तो अल्टीमेटली 25,90,000 ठीक है, इतना ही बताया ना. 25,90,000 ऑलमोस्ट 26 लाख रुपए की गाड़ी है ये. गाड़ी का साइज भी काफ़ी अच्छा है. ये प्रॉपर 7 सीटर है भैया? 6 सीटर है. अच्छा ये पीछे 2 सीट्स है, दोनों ऑप्शन आते हैं. 7 भी है. अच्छा हम तो 6 ही लेंगे बट ऑब्वियस अगर लेंगे तो. तो चलते हैं थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और मीटर दिखाता हूँ एक बार, पावर भी थोड़ी सी चेक करते हैं इसकी. तो भाई ये अब अपन आ गए हैं नॉर्मल, मतलब इतना ही ट्रैफिक मिलेगा, इससे कम ट्रैफिक नहीं मिलेगा. तो मैं हल्का सा थ्रॉटल दे रहा हूँ ताकि पावर का आइडिया मिल जाए. तो ये मैंने दिया. अच्छा पावर अच्छी है, शिफ्ट बहुत स्मूथ था, गियर शिफ्ट एंड सस्पेंशन ज़बरदस्त, पावर भी ठीक है गाड़ी की. मज़ा आया मुझे ऑल एंड ऑल. ये मैं वैसे भी अभी बिल्कुल नॉर्मल ड्राइव मोड पे चला रहा हूँ, मैंने मैनुअल पे नहीं किया कार पे, डायरेक्ट मतलब ड्राइव मोड पे चल रही है ऑटो शिफ्ट पे. इट्स अ गुड फीलिंग ऑल एंड ऑल, मज़ा आ रहा है मेरे को चला के. मेन सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का. एक काम करते हैं एक बार कहीं पर रोक के ना बाहर से दिखाता हूँ गाड़ी की बाहर से कैसी दिखती है और पीछे वाली सीट्स पर भी बैठ के देखना है मेरे को कि पीछे वाली सीट्स कैसी हैं. तो ये रहे इसके ड्राइव मोड्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे ये गियर. तो पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, मैनुअल पे करना हो तो इधर शिफ्ट कर लो. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, ये एक अच्छी चीज़ है. हिल डिसेंट कंट्रोल भी है इसके अंदर एंड अगर आप ट्रैक्शन ऑफ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो. तो ड्राइव मोड्स होने की वजह से भी एक फ़ायदा है कि अगर ऑफ रोडिंग करनी हो तो यू कैन ड्राइव इट इन अ वेरी गुड वे. यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, स्टेयरिंग पे भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं. सो दिस इज़ अ गुड थिंग. सनरूफ, मूनरूफ एंड शटर क्लोज करने के लिए. सो यहाँ पे ही सारे बटन दिए हुए हैं. मूनरूफ काफ़ी ज़बरदस्त है. पीछे वाली सीट्स मुझे देख के ज़्यादा मज़ा आया एक्चुअली इसकी, है ना? बैठ के मज़ा आ रहा है आपको. तो पीछे बैठ के एक बार देखते हैं और फाइनली गाड़ी एक बार बाहर से चेक कर लेते हैं. तो ऐसी दिखती है सफारी कुछ सामने से. इट्स अ बोल्ड लुकिंग कार है ना. ऐसी दिखती है सफारी सामने से. हाँ फ्रंट से लुक ऐसे है इसकी. ओके ऐसी दिखती है सफारी फ्रंट से. अब ठीक है? वो पहले भी ठीक था. पहले भी ठीक था. अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे ऐसे लगा, वैसे बोल सकते थे ना नॉर्मली.
तो ऐसी दिखती है सफारी, तो ऐसी दिखती है सफारी फ्रंट से, फ्रंट लुक्स ऐसे हैं इसके, अब देख लो तो इट्स लुकिंग वेरी बोल्ड एंड इट्स लुकिंग गुड। तो साइज़ भी काफ़ी अच्छा है कार का, टायर साइज़ भी मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, 18 इंच के टायर हैं इसके अंदर, बट काफ़ी बड़े लग रहे हैं दिखने में। कार एक्चुअली इट्स अ गुड लुकिंग कार ऑल एंड ऑल, ड्राइव क्वालिटी भी अच्छी है, बट इंजन नॉइज आ रही थी ना अंदर। हाँ जब आप ऐसे कर रहे थे ज़ूम, हाँ जब मैं एक्चुअली थ्रॉटल दे रहा था तब इंजन नॉइज़ काफ़ी अच्छी आ रही थी, बट स्टिल अभी दूसरी कार्स को भी चेक करना है तो एक बार वो चेक करेंगे एंड फिर पता लगेगा कि गाड़ी एक्चुअली कैसी है। 26 लाख रुपये की गाड़ी है, तो 26 लाख रुपये एक अच्छा खासा प्राइस है वैसे गाड़ी का। कैसा लग रहा है, पसंद आई? हाँ ठीक है, ठीक है, ऑल एंड ऑल ठीक है, मतलब ये वैसे ही है, मतलब नॉट गुड नॉट बैड, मतलब वो वाव वाली फीलिंग भी नहीं आ रही बट बुरी वाली फीलिंग। क्रैक जैक 50-50, हाँ क्रैक जैक 50-50 एग्जैक्टली वही है, क्रैक जैक 50-50। तो एक काम करता हूँ पीछे वाली सीट पर बैठ के फिर एक बार चेक करते हैं कि कैसी है गाड़ी। तो ये रही गाड़ी की पीछे वाली सीट्स एंड दीज आर ऑल कैप्टन सीट। तो कैप्टन सीट्स के काफ़ी सारे फायदे होते हैं, फायदे ये होते हैं कि आप अपने हिसाब से पूरी सीट एक सिंगल यूज़र के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे गाड़ी में आगे ही बैठे हो। तो अब शिवम भैया गाड़ी को चलाने वाले हैं फाइनली, शिवम भैया अपने फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में गाड़ी चलाते हुए। And I asked the wrong person the wrong question. Shit. शिवम भैया मुझे नहीं पता था आप भी ऐसे ही हो। तो शिवम भैया प्रॉपरली टेस्ट ड्राइव लेते हुए एक्चुअली ये बहुत प्यार से चला रहा हूं, ये बहुत प्यार से नहीं, बस इतना प्यार कुछ ज्यादा नहीं हो गया। बॉडी रोल बहुत अच्छा खासा है गाड़ी में, बट ऑल एंड ऑल फील अच्छी है गाड़ी के अंदर बैठ के। तो फीचर्स देख के मजा आ रहा है, पैनोरामिक सनरूफ, कैप्टन सीट, जितना कुछ आ गया, मतलब अपना गोप्रो पूरा हिल गया भैया ऐसे चला रहे हैं, मतलब इतने प्यार से। बॉडी रोल के साथ साथ कैमरा रोल भी है, कैमरा रोल भी है, कैमरा भी रोल हो गया एक्चुअली। तो इसमें जो है दो मोड जाते हैं, एक सिटी ड्राइव मोड और एक स्पोर्ट्स ड्राइव मोड। भैया फोन बहुत बजते हैं, तो जो ये आदमी भाग रहा है इसका मतलब ये बहुत स्पीड से भागेगी गाड़ी, मतलब कुछ भी। और ये है स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ओह भाई, ओ भाई भैया आपका बटन थोड़ी ना दबा था, गाड़ी का दबा था। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अरे वाह क्या बात है, थ्री ड्राइविंग मोड। तो फाइनली गाड़ी की पूरी प्रॉपर टेस्ट ड्राइव हो रही है अच्छे तरीके से। तो एक काम करते हैं शोरूम चलते हैं और मैं थोड़े से इसके सिनेमैट कवर कर लेता हूँ ताकि आप लोग इस गाड़ी को और अच्छे से देख पाओ। बिकॉज क्या, मैं इतना फास्ट एंड फ्यूरियस में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्लॉग कि शायद गाड़ी तो आपको विजिबल हो ही नहीं पाई होगी अच्छे से। तो ये कार की सेकंड रो, मतलब पीछे की सीट्स, एंड पीछे की सीट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, मतलब मुझे देख के मज़ा आ गया। एंड थर्ड रो भी काफ़ी स्पेशियस दिख रही है, मतलब आराम से दो लोग तो यहाँ पे मज़े से बैठ सकते हैं, स्पेशली बच्चे तो बहुत ही आराम से बैठ जाएंगे मेरे ख्याल से। तो कार एक्चुअल में अच्छी लग रही है और मुझे इंटीरियर देख के भी मज़ा आया ऑल एंड ऑल, मतलब सुपर मज़ेदार। तो ये पी कर रही है बिकॉज यहाँ से चाबी ऑन है इसलिए। तो यहाँ पर इसकी ये ड्राइव मोड्स एंड ऑल एंड ऑल कार इज़ अमेजिंग, मूनरूफ भी बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये इसके अंदर बूट स्पेस, अगर नॉर्मल सीट्स खुली हुई हैं तो सीट्स, बट अगर फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करके दिखाना एक मिनट, अगर फोल्ड कर लेते हैं तो काफ़ी सारी स्पेस है इसके अंदर, 510 लीटर, और नॉर्मल अगर ये पैक करते हैं तो कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट गाड़ी भी अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ, नेक्स्ट गाड़ी का व्लॉग आएगा दूसरा एंड फिर पता लगेगा कि गाड़ी अपन कौन सी डिसाइड करने वाले हैं। अभी भी मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, बट अगर मैं आगरा आया हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपन करने ही वाले हैं, बट हाँ ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं मेरे पास यहाँ पे, एंड लेट्स सी एंड डिसाइड कि क्या लेने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे और एक नई गाड़ी के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।